दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, 12 नवंबर यानी दिवाली के खास मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी सलमान खान की फिल्म टाइगर 3। दोस्तों, टाइगर 3 फिल्म को सिनेमाघरों में पूरे के पूरे 15 दिन हो चुके हैं। तो वही दोस्तों, आज फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 16वां दिन चल रहा है। और दोस्तों, अभी भी टाइगर 3 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने के स्ट्रगल में लगी हुई है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि टाइगर 3 फिल्म कल के दिन यानी पूरे 15 दिनों में टोटल इंडिया और पूरे वर्ल्ड से कितने करोड़ रुपए करीब कमाई की थी। तो वही जानेंगे कि आज यानी अपने रिलीज के 16वें दिन फिल्म इंडिया और पूरे वर्ल्ड से कितने करोड़ रुपए करीब कलेक्शन कर रही है। तो वही फिल्म का पूरे 16 दिनों में टोटल इंडिया और पूरे वर्ल्ड से कितने करोड़ रुपए करीब कलेक्शन हो रहा है। तो वही दोस्तों, जानेंगे कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही या फिर फ्लॉप। तो बस आप लोग मेरे इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा। उससे पहले अगर आप लोग बॉलीवुड के सुल्तान खान सलमान खान को दिल से लाइक करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों, कहीं ना कहीं इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी शानदार रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, बीच में वर्ल्ड कप मैच भी स्टार्ट हो गया था, जिससे दोस्तों फिल्म को काफी इफेक्ट पड़ा। लेकिन फिर भी टाइगर 3 फिल्म ने हार नहीं माना। जी हाँ दोस्तों, यकीन नहीं करेंगे कि जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, दिवाली के अवसर पर ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिस दिन ऑडियंस पूरी तरह से बिजी होते है। लेकिन दोस्तों, फिर भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से इतिहास रच दिया था। फिल्म ने अपने फर्स्ट डे पर ही यानी कि ओपनिंग डे पर इंडिया से नेट कमाई की थी। दोस्तों, नेट का मतलब कि टैक्स फ्री, इस पे कोई टैक्स नहीं लगा हुआ है, 44,50,00,000 रुपए करीब। जी हाँ दोस्तों, तो वही फिल्म का हमें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखने को मिला था 94 करोड़ रुपए करीब। उसके बाद दोस्तों, इसी तरह फिल्म ने अपने रिलीज के बाकी दिनों में ताबड़तोड़ ही कमाई की। जी हाँ दोस्तों, दूसरे दिन भी फिल्म की कमाई हमें 59 करोड़ रुपए करीब इंडिया से नेट देखने को मिली थी। तो वही तीसरे दिन फिल्म ने कमाई की थी 44,30,00,000 रुपए करीब इंडिया से नेट। तो वही दोस्तों, चौथे दिन फिल्म ने कमाई की थी 21,10,00,000 रुपए करीब इंडिया से नेट। तो वही पांचवे दिन भी फिल्म की कमाई हमें काफी जबरदस्त देखने को मिली थी, 18,50,00,000 रुपए करीब इंडिया से नेट कमाई की थी फिल्म ने अपने रिलीज के पांचवे दिन। तो वही दोस्तों, छठवें दिन भी फिल्म की कमाई हमें ताबड़तोड़ देखने को मिली थी, फिल्म ने कमाया 13,25,00,000 रुपए करीब इंडिया से नेट। इन दिनों में वर्ल्ड कप मैच चल रहा था, फिर भी यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं कि टाइगर 3 फिल्म किस कदर बॉक्स ऑफिस पर अपनी तूफान मचा रही है। वाकई में दोस्तों, यहाँ पे देख ही सकते हैं फिल्म की कमाई। तो वही सातवें दिन फिल्म ने कमाई की थी 18.5 करोड़ रुपए करीब इंडिया में नेट से। तो वही दोस्तों, नौवे दिन में फिल्म का कलेक्शन देखने को मिला था लगभग 7,35,00,000 रुपए करीब इंडिया से नेट। उसके बाद दोस्तों, बता दें कि फिल्म का पूरे 9 दिनों का हमें टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिला था इंडिया से नेट लगभग 237.25 करोड़ रुपए करीब। तो वही फिल्म पूरे 9 दिनों में ओवरसीज मार्केट से कमाई की थी लगभग 102 करोड़ रुपए करीब। जी हाँ दोस्तों, फिल्म की हमें विदेशों से भी कलेक्शन काफी ताबड़तोड़ देखने को मिली थी। तो वही कुल मिलाकर फिल्म ने पूरे 9 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड से कमाई की थी 384.45 करोड़ रुपए करीब। इसी के साथ कह सकते हैं कि दोस्तों, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो गई थी। तो वही दसवें दिन में फिल्म की कमाई देखने को मिली थी लगभग 5.25 करोड़ रुपए करीब इंडिया से नेट। तो वही दोस्तों, लगा कि ग्यारहवें दिन फिल्म की कमाई में हमें अचानक से गिरावट देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों इस दिन भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर हार नहीं मानी थी। लगभग दोस्तों 5.65 करोड़ रुपए करीब इंडिया से नेट कमाई की थी फिल्म ने अपने रिलीज के ग्यारहवें दिन। तो वही बारहवें दिन में फिल्म का कलेक्शन देखने को मिला था 5.12 करोड़ रुपए करीब इंडिया में नेट से। तो वही दोस्तों, तेरहवें दिन फिल्म ने कमाई की थी इंडिया से नेट लगभग 3.80 करोड़ रुपए करीब। तो वही दोस्तों, चौदहवें दिन भी फिल्म की कमाई हमें काफी जबरदस्त देखने को मिली थी, फिल्म ने कमाया 5.77 करोड़ रुपए करीब। दोस्तों, ये उम्मीद था कि अपने रिलीज के दिनों में टाइगर 3 फिल्म इस कदर कमाई नहीं कर पाएगी, लेकिन दोस्तों अपने उम्मीदों पर ये फिल्म कई गुना आगे बढ़ चुकी है। वही बता दे कि अपने रिलीज के 15वें दिन यानी कि दोस्तों बीते कल के दिन, कल था हॉलीडे, जिसके वजह से दोस्तों फिल्म की कमाई में हमें और भी ज्यादा जंप देखने को मिला है। बता दी कि दोस्तों, अपने रिलीज के 15वें दिन फिल्म ने कमाई की थी 6.65 करोड़ रुपए करीब इंडिया में नेट से। तो वही दोस्तों, फिल्म का पूरे 15 दिनों का हमें टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिला था इंडिया में नेट से 271.09 करोड़ रुपए करीब। तो वही दोस्तों, फिल्म का हमें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखने को मिला था पूरे 15 दिनों में टोटल 444.51 करोड़ रुपए। दोस्तों, ये डाटा पूरे 15 दिनों का है टोटल वर्ल्ड वाइड। तो वही दोस्तों, आज यानी 16वें दिन फिल्म की कमाई में हमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ कह सकते हैं फिल्म की हमें मॉर्निंग शोज, आफ्टरनून शोज और इवनिंग शोज की ऑक्यूपेंसी रेट उतनी खास देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन दोस्तों नाइट शोज की ऑक्यूपेंसी रेट हमें काफी जबरदस्त देखने को मिली है। अब आज से टाइगर 3 फिल्म के कलेक्शन में हमें गिरावट देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, अभी हाल ही में रणवीर कपूर की फिल्म एनिमल की भी एडवांस बुकिंग शुरू कर दी गई है और ये फिल्म 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। बता दी कि दोस्तों, आज ये फिल्म इंडिया से नेट 3.15 करोड़ रुपए करीब कमाई कर रही है। इसी के साथ कह सकते हैं कि दोस्तों, फिल्म वर्ल्ड वाइड से 500 करोड़ से ज्यादा नहीं कमाई कर पाएगी। वैसे दोस्तों, बता दी कि फिल्म का पूरे 16 दिनों का हमें टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिल रहा है इंडिया से नेट लगभग 274.23 करोड़ रुपए करीब। तो वही दोस्तों, फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो रहा है पूरे 16 दिनों में टोटल 451.36 करोड़ रुपए करीब। दोस्तों, ये डाटा 100% जेन्युइन है। अगर
अगर दोस्तों इस फिल्म की कमाई में थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलता है तो नेक्स्ट वीडियो में इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। वैसे दोस्तों आज इस वीडियो बस इतना ही, मिलते किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।